हेलो दोस्तों, मैं बागी सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम बताएंगे माउस के बारे में, माउस को कैसे यूज करते हैं, माउस में कितने बटन होते हैं, उन ऑप्शन जो 3 बटन होते हैं उसके क्या क्या यूज होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट बटन का यूज बताते हैं। लेफ्ट बटन होता है वो डायरेक्टली आदेश देने के काम आता है, ठीक है। जैसे इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है, डायरेक्टली अगर क्लिक करते हैं तो सीधे आदेश देता है, उसको ओपन करता है, ठीक है, या ओके करता है, ठीक है। ये जो है ये लेफ्ट बटन है, ये वाला बटन जो है ये, जिसमें देखिए लेफ्ट बटन हो गया और ये आपका राइट बटन हो गया और ये स्क्रोल बटन हो गया, ठीक है। तो लेफ्ट बटन का यूज हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए एक फाइल है, ठीक है, इसको हमको खोलना है, तो हम जो अगर राइट बटन अगर उस पर 2 बार क्लिक करते हैं, डायरेक्ट 2 बार क्लिक करते हैं तो ये आपका फाइल ओपन हो जाता है, ठीक है। फिर से एक बार करके दिखाते हैं, देखिए ये आपका फाइल है, इसको 2 बार डायरेक्टली क्लिक करते हैं तो फाइल आपका पूरा खुल गया, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं राइट बटन की तरफ। अगर राइट बटन का यूज हम मेनू खोलने के लिए करते हैं, अगर हम इसी पर अगर इसी ऑप्शन पे इसी वीडियो पे हम अगर राइट बटन अगर क्लिक करते हैं तो ये क्या होगा, मेनू खुलेगा। देखिए ये काफ़ी सारे मेनू खुल गए, ठीक है। ये जो मेनू है आपके, इस मेनू का आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली केवल ओपन करना है तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट बटन का यूज करेंगे। अगर आपको मेनू खोलना है तो आप क्या करेंगे, राइट बटन का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए हर जगह हर फाइल पे अलग अलग ऑप्शन होता है, जैसे हम बीच में आपका मॉनिटर दिख रहा है, मॉनिटर के बीच में अगर हम मेनू ऑप्शन का यूज करते हैं, राइट बटन का यूज करते हैं तो क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन दूसरा खुलेगा, ये जो आपके ऑप्शन है एक का अलग दूसरा खुल रहा है। लेकिन अगर हम जाकर फाइल पे हो जाते हैं और मेनू ऑप्शन का यूज करते हैं तो ये आपका दूसरा ऑप्शन खुल रहा है, ठीक है। अब चलते हैं स्क्रोल बटन की तरफ। स्क्रोल बटन का यूज हम पेज को अप डाउन करने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम क्लिक किए, इसको खोल लिए, ये खुल गया। लेकिन अगर हमको ऊपर नीचे करना है इसको अगर ये फाइल ज़्यादा है इसको ऊपर नीचे करना है तो हम क्या करें, इसको बटन को अप डाउन करेंगे तो देखिए आपका जो वीडियो इसमें दिखा रहा है, इमेज दिखा रहा है, वीडियो है, ये ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है। तो बस इसमें 3 ऑप्शन है और 3 ऑप्शन का यूज हम बता चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।